मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य में बने आयुष आयुर्वेद दवाखाने रहते हैं बंद। इन केंद्रों पर नियुक्त डॉक्टर ले रहे सरकार से फ्री तनख्वाह। बता दें कि गरीब ग्रामीण भटक रहे इलाज के लिए सप्ताह में दो दिन ही खुलते हैं आयुष केंद्र के ताले, और आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही का कारण नहीं खुल पा रहे केंद्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपने को सरेआम पलीता लगा रहे आयुष विभाग के अधिकारी। पूरे राज्य में यही है सभी आयुर्वेदिक दवाखाने का हाल। बता दें कि आयुर्वेदिक को राज्य में महंगी एलोपैथिक दवाइयां की वजह से शुरू किया गया था। डॉक्टर और कंपाउंडर नियुक्त की गई, लेकिन इन जंगली इलाकों में रहने वाले ग्रामीण को दुर्भाग्य है केंद्र खुलते ही नहीं हैं। जहां पर बता दें कि ज़्यादातर इन केंद्रों में महिला डॉक्टर कंपाउंडर नियुक्त हैं, जो हफ्ते में एक दिन के लिए आकर केंद्र खोलते हैं और दूसरी जगह ड्यूटी लगी होने का बहाना बनाकर बंद कर देते हैं। प्राइम टेक न्यूज शरीर के लिए चंद्र सिंह बागवान, सीहोर एमपी। कहाँ रहते हो? ये बताइए, ये जो आपके पीछे शासकीय आयुष आयुर्वेदिक औषधालय दौलतपुर विकासखंड इछावर जिला सीहोर, ये डेली खुलता है या नहीं खुलता? आज कितने बज रहे? 2:30 बज रहे ना, तो आज भी ये ताला लगा है? हाँ, लगा, हमेशा ही ताला लगा रहता। हाँ, कभी आए कभी नहीं आए, मतलब हफ्ते में एक आधी बार ही आती है। कभी आए कभी नहीं आए, बस यहाँ दो मेडे में दोनों आती है, हफ्ते में एक आधी बार के एक आए, हफ्ता में एक आधी बार आ, बाकी हमेशा नहीं आ। तो यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज के लिए क्या इछावर जाना पड़ता? हाँ, जाना पड़ गया, मतलब अस्पताल नहीं खुलने से यहाँ के लोग परेशान है। शिकायत भी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं? कोई सुनी है? कहाँ रहते हो? दौलतपुर। ये बताइए, ये जो आपके पीछे शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, इसमें डॉक्टर आते हैं या नहीं आते? आज तो नहीं आए कोई भी। नहीं, मतलब डेली आते हैं या हफ्ते में एक आधी बार आते हैं? उनको मन पड़े जद आए, उनको मन पड़े जद नहीं आए, मतलब डेली नहीं आती है। यहाँ दो नाम लिखे, एक श्रीमती निर्मला राठौड़ और एक कोई और, दो नाम लिखे हैं, तो ये दोनों डेली नहीं आती है? नहीं आए। अच्छा, तो वहाँ यहाँ के जो ग्रामीण है वो बीमार अगर हो तो इनको कहाँ इछावर जाना पड़ता? हाँ, मतलब यहाँ परेशानी परेशानी इनके नहीं आने से? हाँ, परेशानी तो आई नहीं तो कहीं करे। अच्छा, मतलब यहाँ के लोग बीमार अगर हो जाए तो उनको दिक्कत है यहाँ डॉक्टर नहीं रहने से? हाँ, नहीं रहे डॉक्टर। डॉक्टर मतलब हफ्ते में एक दो बार ही आते हैं ना? हाँ। आज क्या दिन है? शुक्रवार। कितने बज रहा है अभी ये ताला लगा है? 2:30 बज रहा है ना? 2:30 बज गया, मतलब है ही नहीं? है ही नहीं। आज के पहले कब आई थी? तैयार नहीं रही, मतलब 4-6 दिन पहले आई थी ना? अभी कहीं मैया आदि नहीं रखी, हमें ध्यान ही नहीं रखी। हाँ, मतलब डेली नहीं आए, दोनों नहीं आती डेली? ठीक। कहाँ रहते हो? दौलतपुर। ये बताइए, ये जो आपके यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय है, डेली खुलता है या नहीं? ये डेली नहीं खुले सर, कभी खुले कभी नहीं खुले। हाँ, मतलब नहीं खुलता ना जी। तो ये बताइए कि, और ये आपके यहाँ एक पशु स्वास्थ्य का केंद्र भी है? इसका 15 रोज होगा साहब, मैं परेशान हूँ, मेरा बैल बीमार है। हाँ। आर्य जजा की दवाई गोली लेके आता हूँ और उसका इलाज करवाता हूँ प्राइवेट। तो यहाँ कितने डॉक्टर आते हैं ढोर अस्पताल में? कोई भी नहीं आता। नहीं, पहले भी आए होंगे ना कि कभी नहीं आते? आते ही नहीं, कभी सभी आते हैं घोपने करके है कोई डॉक्टर, मैं फोन भी लगाऊं फोन नहीं उठाता, नंबर है मेरे पास उसके। अच्छा, उसकी पोस्टिंग है यहाँ जी। ठीक। राजीव, बताइए आपके यहाँ जो ये आयुर्वेदिक औषधालय है, इसमें डॉक्टर डेली आती है या नहीं आती? नहीं आती है, दो हफ्ते में एक दो काव आती है। इसके पैसे जो हफ्ते में एक दो बार आती है तो पूरा टाइम रुकती है 11 से 4 तक या पहले ही भाग जाते हैं? 11 से 1-2 बजे तक। 11 से 1-2 बजे भाग जाते हैं? हाँ, डेली नहीं आते? नहीं आते डेली, मतलब घंटा दो घंटा। हाँ। तो ये बताइए, यहाँ अगर कोई बीमार हो तो फिर उनको कहाँ लेके जाना पड़ता? आर्या या इछावर है ना? हाँ। और एक आपके यहाँ पशु स्वास्थ्य केंद्र भी, यहाँ भी कोई आता है या नहीं? आते हैं वो 15 दिन में आते हैं, कभी कभी आते हैं, मतलब महीने में एक दो बार ही, मतलब डेली नहीं आते? नहीं आते। यहाँ के लोगों के पशु भी बीमार है ना? उस दिन आया था मुख्य, तो इसकी आप लोगों ने शिकायत की? अभी तो नहीं की।